सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। और वो वेदों में परमात्मा का एक गुण लिखा है कि वह सतलोक में रहते हैं, मनुष्य दृश्य हैं, वह एक सिंहासन पर विराजमान है, तकत पर। तकत मीन सिंहासन। जैसे हम इतिहास में पढ़ा करते थे कि दिल्ली के तकत पर अकबर 12 वर्ष की आयु में ही तकत पर विराजमान हो गए। तकत माने सिंहासन, यानी राजगद्दी। तो वहां परमात्मा तकत पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य दृश्य अपने ही उनिहार है, अपना सृजनार। महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले हैं, जो जिन महापुरुषों के रह रहकर दास नाम गिनाता है, उनके शुभ नाम आपको सुनाता है, फिर सुना देता हूं, क्योंकि महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य लगते हैं। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत, बागपत हो गया है उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी के पंडित ब्राह्मण थे, विद्वान कहलाते थे, परमात्मा उनको मिले, सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ऐसे ही मिले हैं जैसे उनके गुण हैं, उनको आकर मिलते हैं और फिर उन अपने से परिचित करा करके जहाँ परमात्मा रहते हैं उस सारी व्यवस्था को दिखा करके फिर वापस छोड़ते हैं बॉडी में, ताकि ये मेरे गवाह बने, एफिडेविट लिख दें ये कि कैसा है भगवान। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमरे ही उनिहार है अपना सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसी उसकी आकृति है, ऐसा उनका आकार है अपने सृजनहार का। तो इस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है, वहाँ एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है मंदिर नुमा, उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है, सिंहासन है, सिर पर छतर है। जैसे आप इस दास के ऊपर ये आर्टिफिशियल बना रखा भक्तों ने, ये देख रहे हो, और परमात्मा का वहाँ प्रकाश जो पूरे शरीर का बहुत ज्यादा है। उस परमात्मा के एक रोम माने बाल, एक रोम कहो या रोमकूप कहो, क्योंकि शरीर से ही, उनकी बॉडी से ही प्रकाश निकल रहा है, झलक रहा है, उसी से उसके रोम यानी बाल प्रकाशित हो रहे हैं। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी एक रोम यानी बाल का प्रकाश ज्यादा होगा, तो इतना तेज है उस परमेश्वर का। वहां पृथ्वी है सतलोक, जैसे धरती आप देख रहे हो ये ऐसी, वो केवल व्हाइट कलर की है, जैसे आप बालू रेत देखते हैं, तो वहां पृथ्वी का कैसा रंग है और उस पर वर्षा हो जाती है, वो सेट हो जाता है, तो भी कलर वैसा ही रहता है। तो ऐसा उस सतलोक का भी प्रकाश है, वो भी स्व प्रकाशित है, जैसे हीरा प्रकाशित होता है, हीरे में अपने आप चमक होती है, मोती में चमक होता है, इस प्रकार वो पृथ्वी है। वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये सभी काजू किशमिश मेवे सेब संतरे सभी फल फ्रूट वहाँ सदाबहार रहते हैं, वहाँ कभी अकाल नहीं होता। ये तो है वहाँ की सतलोक की डेफिनेशन। और परमात्मा कैसे हैं,
ये आपको दास बता ही रहा है कि मनुष्य सदृश्य है और वहाँ सृष्टि है ऐसी ही, ये तो डुप्लीकेट है जो यहाँ बनाए गए हैं, ये मिट्टी के शरीर, ये तो उसकी तुलना में एक खिलौने और मिट्टी से बने हुए हैं, और वहाँ का जो शरीर आपका स्वर्ण का हो जो कभी विनाश में नहीं आता। इस प्रकार वहाँ सृष्टि है, वहाँ आपके पूर्व के सभी महल ज्यों के त्यों हैं, प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष टेंडेंसी है, एक वृत्ति है, जरा सा कोई अच्छी पोस्ट बन जाती है उसको प्राप्त हो जाती है, या कोई धन चोखा मिल जाता है, बढ़िया कोठी बनाऊं, बहुत लंबी चौड़ी ऊपर नीचे, और आगे पार्क हो, पार्क में फिर आगे बगीचा हो, एक साइड में तालाब हो, झूले डाल रखे हों, और फुहारे बनाता है आर्टिफिशियल के, कभी कभी फुहार भी डालूं, तो ये बनावटी है। अच्छा, यहाँ तो एक और समस्या है, ये सारा कुछ किसी ने बना भी लिया तो 36 टेंशन साथ लिए रहता, वो उस घूम रहा है बगीचे में और टेंशन है कहीं और, ये बिगड़ गया काम, वो बिगड़ गया काम, ऐसे ना हुआ वैसे हो जाएगा। तो उसने वहाँ एक डुप्लीकेट बना भी लिया तो भी उसका सुख प्राप्त नहीं है उस व्यक्ति को। और सतलोक के अंदर ऐसे ही बहुत लंबे चौड़े प्रत्येक प्राणी के अलग अलग महल हैं, वहाँ आपका परिवार होगा। आपको कितने अच्छे लगते हैं अपने माता पिता, भाई बहन, अंकल चाचे ताऊ और बच्चे, रिलेटिव, हर यहाँ ठीक है, अच्छे तो लगेंगे क्योंकि अच्छे हैं, और कल मृत्यु हो जा, टक्कर मारते रहो, कभी कभी भी जीवन में आप उनको नहीं देख सकते फिर, तो ये अच्छा लगते हुए भी व्यर्थ है। और वहाँ जाओगे आपके सारे सुख होंगे, वहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं वृद्ध हूँ, वृद्ध अवस्था प्राप्त हूँ, बूढ़ा हूँ और बूढ़े हो गए, कोई नहीं चाहता मैं मरूं और मृत्यु डेफिनेट। तो ऐसी धारणा क्यों है आपकी, क्योंकि आप पहले ऐसे लोक में रहते थे जहां ना वृद्धावस्था है और मृत्यु नहीं है, वहां ये पांच तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं है, इसमें कभी बीपी हाई है, कभी लो है, कभी राग खेच रहा है, कभी द्वेष, राग द्वेष वहां होता है जहां समानता नहीं होती, और वहां समानता है एक परमात्मा को छोड़कर सबके एक जैसे बॉडी हैं, एक जैसा सबके महल हैं, एक जैसा खान पान है, कोई उसमें अंतर नहीं और कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। तो राग द्वेष और इस तरह के जो रोग होते हैं ये किसी त्रुटि के कारण होते हैं। तो आप जी उस स्थान को छोड़कर गलती से यहां आ चुके हो और यहां आपका कोई ठिकाना नहीं। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया है, आग गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए, पहले जो चले गए उन्होंने आकर बताया नहीं हमारे साथ क्या बीती, और रहते भी सब जाही बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए उनका तो पता नहीं क्या बुरा हाल हुआ या अच्छा हुआ, उन्होंने तो कोई आके हमें संदेशा दिया ही नहीं, और ऐसे ही शेष हैं वो चले जाएंगे। तो गरीबदास साहेब जी कह रहे हैं कि बिन परमेश्वर की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री है किसी कंट्री का, वैसे तो सुख नाम की यह चीज नहीं है, पर हमने उसको गणा बड़ा मान रखा है क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं। और कल वो प्रधानमंत्री सत्भक्ति नहीं करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है,
तो कहाँ गया वो सुख? आगे क्या होगा इन बच्चों को पता नहीं जो खिलौनों से खेल रहे हैं, ये मिट्टी के महल बना बना कर इसमें खुश हो रहे हैं, इनको पता नहीं, क्योंकि भगवान ने आकर बताया, वो ज्ञान दास सुना रहा है। उसके आधार से हमें भविष्य का दिखाई देने लग गया कि आगे क्या होगा इसके साथ। उसके विषय में परमात्मा ने बताया है कि कबीर हरि के नाम बिन ये राजा रसब हो रसब बन खच्चर, जिसपे अच्छा वजन लोड कराया जाएगा देगी तरह बोरे में, राजा रसब हो और माटी लदे कुमार के और घास न डाले कोई। गधे के साथ एक और समस्या होती है, सारा दिन काम को मार लेता है, शाम को बनी में छोड़ देता, घास खुद चर के आता है बाहर, फिर उसका कान फिर पकड़ लेता जब काम की आवश्यकता होती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया है आपको सतर्क करने के लिए दिया है, ना कि किसी की इंसल्ट करने के लिए। आप बालक हो, वो परमात्मा है, आप उसकी आत्मा हो, उसके बच्चे हो, अपने बच्चों को समझाने के लिए परमात्मा ने ना जाने कितने छल छिद्र करने पड़ते हैं, किस प्रकार के ज्ञान आपको सुनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपने काल की भांग पी रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुए भांग पड़ी। जैसे कोई शराब के ठेके पर आपने देखा हो कभी, जब 20 आदमी गुटी ला कर आ रहे हो सामने, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी बोली रहेगी, तो हमने इस काल की इस त्रिगुणमयी माया की भांग पी रखी है। यहाँ के इन तीनों गुणों के दबाव से हम जो जो कार्य यहाँ चाहते हैं करते हैं, या भांग है, और सभी एक जैसी वृत्ति होगी, क्योंकि सबने एक का कुएं की भांग पी रखी है, वो ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं आपको। अब ये ज्ञान मिला है जो इस भांग को उतारेगा, ये एंटीबायोटिक है, और ये ज्ञान सतगुरु ही दे सकता है, और सतगुरु परमात्मा ही होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, वो सतगुरु भी थे, परमात्मा तो वो थे ही थे, और फिर उन्होंने कहा था कि जब गरीब दास जी का पंथ होगा, बारहवां पंथ, उसमें काल अपना जाल जरूर फैलाओगा, लेकिन बारहवें पंथ में परमात्मा ने कहा था हम फिर आएंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया अपना, वही पावर वही ज्ञान दास के अंतःकरण में फीड कर दिया, जो दास आपको आज वर्षा कर रहा है उस अमृत ज्ञान की। तो इस विश्व में वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई सतगुरु नहीं है, और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अतिरिक्त कहीं सत्संग नहीं है। ये चाहे अनजान व्यक्ति प्रथम बार सुना ये सोचे, रामपाल अभिमान करे, रामपाल को अभिमान तो आसपास नहीं है, लेकिन ये सच्चा ज्ञान जरूर है, और यह सत्य है जो दास एक एक शब्द बोल रहा है। ये कुछ दिन के बाद आपके सारी अच्छी लगेंगी, सुहा जाएंगी, आपको स्वीकार्य भी होंगी, जब ये आपकी भांग उतर जाएगी काल की, अज्ञान आपका हट जाएगा,